स्वागत है आपका डीएम स्टडी सेंटर पर। इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिविल सर्विस जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, प्रीलिम्स का, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनका मार्क्स कितना रहता है, कितना पेपर रहता है, सब्जेक्ट क्या कुछ रहता है और क्या कुछ आपको यूपीएससी सिविल सर्विस में प्री एग्जाम में पढ़ना होता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, आपका सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है सिलेक्शन फॉर कैंडिडेट मेंस, मतलब आपको प्री एग्जाम देना होता है, प्री के बाद ही आप मेंस एग्जाम में जा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा देख सकते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंजिस्ट ऑफ टू पेपर और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। प्री का जो एग्जाम हो तो पूरा प्री ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कैरी मैक्सिमम 400, मतलब दो सेक्शन रहते हैं, दो पेपर होता है, पेपर वन और पेपर टू, दोनों आपका 200 200 200 200 मार्क रहता है और उसी से आपका पेपर वन से ही आपका मेरिट बनता है, आपका सिलेक्शन प्री आप पास किए कि नहीं किए। तो आगे देखते हैं और क्या कुछ इसमें इसका सिलेबस जो है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। हाँ, साथ में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर प्री एग्जाम में जो है आपका 1/3 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। अगर आप 3 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क्स काटा जाएगा, इसलिए इसको 0.33 लिखा गया है, इसलिए सिविल सर्विस प्री एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग रहती है। इस चीज को आपको पेपर अटेंड करने के टाइम में ध्यान रखने का जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं, सिलेबस क्या है इसका, आपको मैं सिलेबस प्री का सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल सिलेबस यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, डिटेल सिलेबस फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगर आपने मेंस का सिलेबस नहीं देखा है तो आप जाके इस मेरा यूट्यूब चैनल डीएमई सेंटर पर आप मेंस का सिलेबस को मैंने डिस्कस किया है, वहां पर आपको मेंस का सिलेबस आपको मिल जाएगा और वहां पर आप देख सकते हैं सिलेबस में क्या कुछ है। साथ में आपको पीडीएफ जो है ये डीएम स्टडी सेंटर टेलीग्राम चैनल जो है आपका डीएम स्टडी सेंटर, आप वहां से जाकर ये आपका जो सिविल सर्विस का जो ये सिलेबस है पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इजी से आप वहां से पूरा सिलेबस को डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्री एग्जाम में क्या कुछ सिलेबस रहता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो है 200 मार्क्स का होता है पेपर वन में और ये आपका 2 घंटा का 2 आवर्स का ये एग्जाम होता है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। क्या कुछ टॉपिक पढ़ना होता है इन चीजों को अभी हम देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने आपका करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब आपका करंट अफेयर्स पहला ही स्टार्टिंग इन्होंने करंट अफेयर्स को दिया हुआ है, आपको करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आपको पढ़ना होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, मतलब इंडिया का हिस्ट्री को पढ़ना है आपको, एंशियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, साथ में नेशनल मूवमेंट जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है तो आपको हिस्ट्री को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों को उन्होंने 2 वर्ड में लिख दिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब आपका ज्योग्राफी सेक्शन सारा आ जाता है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा वेटेज नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इंडियन पॉलिटिन गवर्नेंस को दिया है, मतलब आपको पॉलिटी पढ़ना है, उसके अंदर क्या कुछ टॉपिक है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पंचायती राज पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इन इशू, मतलब आपको जो पॉलिटी है जो लक्ष्मीकांत बुक है उसको पूरा पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी, साथ में आपका प्रीवियस ईयर पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ से सारे क्वेश्चन रहते हैं तो पॉलिटी आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉवर्टी इंक्लूजन डेमोक्रेसी सोशल सेक्टर एंड इनिशिएटिव, मतलब इन्होंने इकोनॉमी को पूरा डिस्कस कर दिया गया है। इसमें आपको दोनों पढ़ना है, स्टैटिक पॉइंट भी स्टैटिक भी पढ़ना है, स्टैटिक मतलब जो आपका कभी चेंज नहीं होता है वो स्थिर रहता है, और साथ में कंपोजिट
करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स हर सेक्शन से आपको पढ़ना होता है, खासकर इकोनॉमी में भी करंट अफेयर्स रहते हैं, आपका बजट से क्वेश्चन, बजट से कई बार क्वेश्चन मिलता है, फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे से, इकोनॉमिक सर्वे से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पूरा इकोनॉमी को आपको पढ़ना है। लास्ट में आपका है जनरल स्टडीज इशू, सॉरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज, मतलब आपका इन्वायरमेंट सेक्शन को इन्होंने लास्ट में कवर कर दिया गया है। करंट अफेयर्स यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे स्पेसीज के रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारा चीज पढ़ना है। मतलब इन्होंने सिलेबस में क्लियर मेंशन कर दिया गया है, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ सिलेबस को छोटा करके लिखा है, लेकिन क्वेश्चन जो वाइड स्प्रेड बड़े लेवल से अलग अलग जगह पूछे जाते हैं, आपको डिटेल्स पढ़ना होता है। तो ये तो हम लोगों ने बात किया पेपर वन के बारे में, और ये पेपर वन से ही आपका जो है एग्जाम में, इसी से ही आपका, इसी पेपर को आपको मेरिट में लाना होता है, जो आपका कट ऑफ बनता है ये पेपर वन के आधार पर कट ऑफ बनता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेपर टू, जो प्री के अंदर ही रहता है, वो है आपका सी सेट पेपर, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपका पेपर टू है, ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका 80 क्वेश्चन रहते हैं, 80 क्वेश्चन रहते हैं, और आपको जस्ट यहाँ पर क्वालिफाई करना होता है, 33% आप अगर यहाँ पर लाते हैं तो आपका ये सी सेट का पेपर जो है क्वालिफाई हो जाता है। तो इसके अंदर क्या कुछ सिलेबस में दिया है तो देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है कम्प्रिहेंशन यहाँ पर क्लियर लिख दिया है, तो पैसेज जो हम लोग बोलते हैं कम्प्रिहेंशन वो रहता है। साथ में आपका मेन टॉपिक को हम लोग देखते हैं क्या कुछ दिया रहता है, आपका है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। मेन मेन पॉइंट को हम देखते हैं, लॉजिक रीजनिंग जो आपका एसएससी लेवल जैसे जो रहता है, लॉजिक रीजनिंग ये सब रहता है, और आपका मैथमेटिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेसी, मतलब मैथ्स आपका रहता है, मेन मेजर जो है आपका टॉपिक यही है। मैथ्स के अंदर आपको सारा परसेंटेज हो या आपका जो भी टॉपिक एवरेज है, ये सारा टॉपिक को पढ़ना होता है। तो इस तरह से आप सी सेट को पेपर को तैयारी कर सकते हैं, और ये मेन सिलेबस में आपको माइंड में आपको रखना जरूरी है। और फिर से मैं आपको बताऊं, इसको जस्ट आपको पास करना है, इसमें आपको कोई टॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि इस तरह से आपका सिलेबस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेंशन किया है इन्होंने कि पेपर टू ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विथ मिनिमम क्वालिफाइंग ऑफ 33%, जो मैंने पहले बताया, सिर्फ आपको 33 मार्क्स लाना होता है पेपर टू में, और आपका पेपर वन ही आपका मेरिट बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो ये आपका प्री का सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, आप देख सकते हैं प्री का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर। इसी तरह के अपडेट के लिए आप डीएम हिस्ट्री सेंटर से जुड़े लिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए डीएम हिस्ट्री सेंटर को, क्योंकि मुझे मालूम है कि लाइफ में सीखना बन तो जीतना बन। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।